दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल मोटर के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल मोटर तीन टाइप के होते हैं। पहला है डीसी मोटर, उसके बाद एसी मोटर, उसके बाद अदर मोटर। अब मैं थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ। जो डीसी मोटर होता है ये नॉर्मल मोटर यूज किया जाता है। डीसी मोटर जैसा कि एसी मोटर होता है वैसा ही डीसी मोटर होता है। अलग अलग दोनों का वर्क होता है, वैसे तो वर्किंग प्रिंसिपल एक ही होता है। और जो अदर मोटर है ये स्पेशल टाइप ऑफ मोटर होता है। स्पेशल टाइप ऑफ मोटर मतलब ये एक स्पेशल टास्क के लिए इस मोटर को डिजाइन किया जाता है, इसलिए इसे अदर मोटर कहते हैं। तो जो डीसी मोटर है ये भी कितने टाइप के दे रखे हैं, वैसे डीसी मोटर तीन टाइप के होते हैं लेकिन यहाँ पे पांच टाइप के दे रखे हैं। ये भी ठीक है, वैसे उन्होंने क्या किया था, तीन टाइप को भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा था, लेकिन यहाँ पे टोटल पांच टाइप के डीसी मोटर दे रखे हैं। पहला शंट मोटर। शंट मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, दो वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है। दोनों जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उसे शंट मोटर कहते हैं। ओके, उसका था सेपरेटेड एक्सिट मोटर। इसमें क्या होता है, दोनों ही सेपरेटेड कहने मतलब है दोनों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसके वाइंडिंग को इस तरीके से रखा जाता है, इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि उसे सेपरेटेड एक्सिट मोटर कहते हैं। आप अभी नाम जान लीजिए, मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। सीरीज मोटर, जब आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उसे सीरीज मोटर कहते हैं। ओके, और आता है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो ये जो नॉर्मली आपने व्हीकल्स में छोटे छोटे व्हीकल्स खिलौने या जो टॉयस होता है उनके अंदर जो मोटर यूज होता है वो परमानेंट मैग्नेट मोटर ही होता है, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी होती है वो लो होती है, वो इतने पावरफुल नहीं होते कि वो हम बड़े चीज़ों में यूज कर सके। तो परमानेंट मैग्नेट छोटे छोटे मोटर होते हैं। आपने अपने व्हीकल्स में छोटे छोटे जो गाड़ी होते हैं रिमोट कंट्रोल वाले, उनके अंदर आपने देखा होगा। और लास्ट में आता है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर क्या होता है, जब सीरीज एंड पैरेलल यानी जो शंट मोटर और सीरीज मोटर है दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है ना, तो कंपाउंड मोटर बनता है। कंपाउंड मोटर का वर्क ये है कि मतलब एक तो नो लोड फुल लोड दोनों में इसे यूज किया जा सकता है। मतलब आप खुद ही देखिए, जब दो अलग अलग चीज़ों की प्रॉपर्टी मिला दी जाए तो हमें तीसरी प्रॉपर्टी मिलती है। तो ऐसा ही है जब शंट मोटर और जो आपने शंट मोटर और सीरीज मोटर को कनेक्ट कर दिया, मतलब इसकी वाइंडिंग को इस तरीके से डिजाइन किया, इन दोनों को कंबाइंड करके, तो आपको मिलेगा कंपाउंड मोटर। कंपाउंड का मतलब ये होता है दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना है तो कंपाउंड, यानी शंट मोटर और सीरीज मोटर की यानी शंट वाइंडिंग एंड सीरीज वाइंडिंग को दोनों को आपस में कनेक्ट किया है तो हमें क्या मिला है, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर भी दो टाइप के होते हैं। आगे इन मतलब इतनी बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पता होना चाहिए कि कंपाउंड मोटर का मतलब क्या है। ओके, तो तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या है, शंट मोटर, उसके बाद सीरीज मोटर, उसके बाद कंपाउंड मोटर। ये डीसी मोटर के टाइप हैं और ये एक अलग है। परमानेंट मैग्नेट ये इसका यूज बहुत ही कम होता है लेकिन होता है। ओके, अब उसके बाद आते हैं एसी मोटर। एसी मोटर भी दो टाइप के होते हैं, इंडक्टेंस मोटर और सिंक्रोन मोटर। देखिए, इंडक्शन मोटर क्या होता है, जिसमें कॉइल यूज की जाती है कॉपर की, नॉर्मली जो हमारे घरों में लगी होती है वो सब इंडक्शन मोटर है। उसके वो जैसे सीलिंग फैन हो गया, पानी का मोटर हो गया, और वैसे ही होता है जैसे कि अब हाई लोड के लिए काम करना है, हाई लोड चाहिए, मतलब हाई लोड है तो उसके लिए सिंथेटिक्स सिंक्रोनस मोटर यूज किया जाता है। मतलब दोनों है तो एसी, मतलब दोनों एसी से काम करते हैं, बस थोड़ा अंतर इन दोनों के बीच में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लो लोड के लिए, ये हाई लोड के लिए। उसके बाद आता है अदर मोटर। अदर मोटर में होता क्या है कि स्पेशल टाइप मोटर भी कहते हैं। इसे स्पेशल टाइप मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर आपको मिलेगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन एसी मोटर और डीसी मोटर दोनों की प्रॉपर्टी आपको किस में मिलेगी, स्पेशल टाइप ऑफ मोटर में। स्पेशल टाइप ऑफ मोटर इसलिए डिजाइन किया जाता है कि इन दोनों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके। मान लीजिए आप एयरप्लेन देख लीजिए, या जो बड़ी बड़ी प्लेनें होती हैं, या जो पानी के अंदर काम करती हैं, समुद्र के अंदर पनडुब्बी होती है, ठीक है, एयरक्राफ्ट होती हैं, उनके अंदर उनकी जो मोटर की स्पीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है फुल लोड पे, नो लोड पे, या जैसा भी हो, तो उसके लिए मोटर को डिजाइन किया जाता है, तो उसे स्पेशल टाइप ऑफ मोटर भी कहते हैं और अदर मोटर भी कहते हैं। क्योंकि इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि मतलब ये एक जैसे आपको एक टास्क दिया गया, वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस मोटर का यूज किया जाता है। जो नॉर्मली जो मोटर है ना, डीसी मोटर और एसी मोटर, इनका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मोटर काम होता है
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये मोटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ये मोटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इसका भी काम वही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका काम अलग है, लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफाई है, मतलब ये एक पर्सनल टास्क के लिए, अपने खुद के काम के लिए बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो इसमें भी कई तरीके के दे रखे हैं, ट्रेपेड मोटर, ब्रश डीसी मोटर, हाइड्रेसिस मोटर, तो कई यूनिवर्सल मोटर, मतलब कई चीज़ें अलग अलग। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो मिक्सी के अंदर एक मोटर आता है, उसके उसमें आपको ये बर्सेस डीसी मोटर दिखाई देंगे, लेकिन वो भी डीसी मोटर नहीं होता, क्योंकि आजकल आपको पता है क्वालिटी इतनी रिड्यूस कर दी गई है मशीनों की, इक्विपमेंट की, कि उनकी लॉन्ग लाइफ नहीं है। तो पहले आते थे, आजकल नहीं आते। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मोटर है, ये आपको देखने के लिए कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ठीक है। और ये नॉर्मल मोटर आप इसे अपने नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हो। तो इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं हम, ठीक है। डीसी मोटर, तो डीसी मोटर कितने टाइप के दे रखे हैं हमारे में, पांच टाइप के डीसी मोटर दे रखे हैं। पहला संट डीसी मोटर। संट में क्या होता है, संट मतलब पैरेलल होता है, ओके। तो संट में होता है कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है ना, स्टेटर वाइंडिंग भी कहते हैं और फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं। फील्ड वाइंडिंग और स्टेटर को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, स्टेटर को क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है और इस फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जब ये पैरेलल में कनेक्टेड हो ना, तो इसे क्या कहते हैं, संट डीसी मोटर, ठीक है। उसके बाद तो सेपरेटली एक स्ट्रिक्ट मोटर पढ़ लेते हैं। द मोटर एंड स्टार्टर ईच अदर कनेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंस पावर सप्लायर। अब इसमें लिखा पड़ा है कि जो हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है और फील्ड वाइंडिंग है, दोनों अलग अलग पावर सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों के लिए दो अलग अलग पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। उससे क्या कर सकते हैं, हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। सीरीज मोटर में क्या होता है कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, समझ आ गया। और परमानेंट मैग्नेट मोटर के बारे में देखते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट मोटर एक छोटा सा मोटर होता है जो हमारे स्मॉल साइज में होता है, यहाँ लिखा भी है स्मॉल साइज में होता है, जो कि हमारे इक्विपमेंट जैसे हो गया हमारा डीवीडी प्लेयर के अंदर भी होता है, तो उसमें भी वो मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है। और जो रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स होती हैं, कार होती हैं छोटी छोटी, उनके अंदर पाई जाती है। और जो पुराने रेडियो FM होते थे उनके अंदर भी इनका यूज किया जाता था, तो आजकल तो अपडेट हो गया है, तो पहले ये सब आपको देखने के लिए मिलते थे। आगे देख लेते हैं, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये हमारा जो ये गोल्डन कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये कम्यूटेटर है, इसे कम्यूटेटर कहते हैं, इस स्लिप रिंग भी कहते हैं, कम्यूटेटर भी कहते हैं, स्प्रिंग स्लिंग भी कहते हैं। और ये हमारा वाइंडिंग है, ठीक है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि आर्मेचर के ऊपर हो रखा है इसलिए इसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। और उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आता है डीसी मोटर के ऊपर, और लास्ट वाला कंपाउंड मोटर। पांच मोटर थे ना, पांच टाइप के मोटर, तो लास्ट का ये कंपाउंड मोटर। तो जो कंपाउंड मोटर होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ संट मोटर एंड सीरीज मोटर। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि ये दोनों से मिला होता है। देखिए ये तो पैरेलल में कनेक्ट है, आप देख सकते हो फील्ड वाइंडिंग, एफ का मतलब क्या फील्ड वाइंडिंग, एम का मतलब क्या आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और ये सीरीज में कनेक्टेड है, आप देख सकते हो ये सीरीज में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। जब इन दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे तो क्या मिलेगा, कंपाउंड मोटर। जब इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे मतलब जोड़ देंगे सर्किट को, जोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम सीरीज में जोड़ दे पैरेलल में जोड़ दे, सर्किट का डिजाइन इस तरीके से करेंगे ना कि सीरीज में भी रहेगा पैरेलल में भी रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड मोटर। आप देख सकते हो ये सीरीज में कनेक्ट है और ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो सीरीज एंड कंपाउंड दोनों को जब जोड़ दे, संट को जोड़ दे, तो क्या मिला हमें, कंपाउंड मोटर, ओके। आगे देख लेते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ डीसी मोटर। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए जो डीसी मोटर होता है उसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो बरसस वियर, जो बरस होता है यानी जो बरस होता है वो कार्बन के होते हैं या किसी मेटल के होते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली यूज होता है छोटे मोटर में कार्बन का यूज होता है, और बड़े मोटर में भी कार्बन का यूज होता है, क्योंकि कार्बन में ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल में आता है, लेकिन ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और ये क्या करता है, लो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, इसीलिए कार्बन का यूज किया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें ये मतलब पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये लिख रखा है कि जो बरस होता है वो घिसता है, जब वो रोटेट करता है ना आर्मेचर, हमारा जब आर्मेचर रोटेट करता है तो बरस क्या होता है, घिसता है, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट में होता है, जब वो रोटेट करता है तो आपस में कटने लगता है धीरे धीरे। जब प्रैक्टिकली आप एक मोटर को खोल के देखिएगा जिसके अंदर बरसेस लगे हों कार्बन के, तो आप देखिएगा कि जब वो रोटेट करता तो
घिसता है, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं, स्पार्क फ्रॉम द बर्सेस। अब उसमें सेकंड पॉइंट में क्या लिख रखा है कि देखिए हीट लॉसेस होता है, क्योंकि जो हमारा हमारा जो कम्यूटेटर होता है, जो हमारा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर से क्या कनेक्टेड होता है, कार्बन कनेक्टेड होता है, यानी ग्रेफाइट कनेक्टेड होता है, जो बर्सेस होता है कनेक्टेड होता है। जब कम्यूटेटर और बर्सेस आपस में मतलब उनके बीच में थोड़ा सा भी एयर गैप आता है ना, तो क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं। स्पार्क करने के कारण क्या है, एनर्जी वेस्ट होती है और हमारा बर्सेस भी थोड़ा वो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉइस। आप देखिए उनके जो बर्सेस और जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो आपस में कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, उनके कारण क्या होता है, नॉइस भी। आप जब डीसी मोटर को देखिए, जब चलता है वो, जो बड़ी मोटर होती है, मतलब थोड़ी लार्ज अमाउंट की, आप छोटे छोटे नहीं बड़े मोटर की बात कर रहे हैं, तो जब बड़ी मोटर चलती है तो उनके अंदर भी क्या हो, नॉइज प्रोड्यूस होता है, ओके। अब आते हैं एसी मशीन की बात, इंडक्शन मोटर क्या होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। सो कॉल इट बिकॉज जो इंडक्शन मोटर होता है उसे इंडक्टर मोटर क्यों कहते हैं वो जान लेते हैं, बिकॉज वोल्टेज इज इंड्यूस इन द रोटर। आगे पढ़ते हैं, दे नो नीड फोर बर्सेस। जो इंडक्टर मोटर है उसके अंदर बर्स की कोई जरूरत नहीं होती, उसने पहले बता दिया है। बट फॉर दिस इज द हैपेंड द रोटर मस्ट रोटेट अ लोअर स्पीड, द मैग्नीट्यूड फील्ड अलाउ टू द एक्सीड द इंडक्टेंस वोल्टेज, देयरफॉर द न्यू टर्म इज द नीड टू द डिस्क्राइब द इंडक्शन मोटर द स्लिप। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर किसी तरीके का कोई भी बर्स यूज नहीं किया जाता और इसकी स्पीड कम होती है अगर आप कंपेयर करो तो अदर मोटर से। अदर मोटर का मतलब क्या कि डीसी मोटर हो गया या अदर टाइप ऑफ मोटर। अदर टाइप ऑफ मोटर मतलब स्पेशल टाइप ऑफ मोटर से स्पीड इसकी कम होती है और इसके अंदर कोई बर्सेस यूज नहीं किया जाता, ठीक है। बर्सेस यूज नहीं किया जाता इसका मतलब आप अपने सीलिंग फैन को देख सकते हो, सीलिंग फैन के अंदर कोई बर्स यूज नहीं किया जा सकता है। आगे पढ़ लेते हैं, साइनक्रोनस मोटर। सो कॉल इट बिकॉज रोटर ट्राई टू लाइन अप विद द रोटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर। इट इज द स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर एंड द रोटर ऑफ अ डीसी मोटर। ये बिल्कुल सेम है, इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द स्टार्टर ऑफ स्टार्टर इन द इंड्यूस मोटर एंड इट इज रोटर ऑफ मोटर। आगे देख लेता हूँ, आगे शायद कुछ नहीं दे रखा है, तो इनके बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, सेम है। ये भी क्या है, इनकी स्पीड कम होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही बात की जा रही है। हम आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है आगे, एसी मशीन थ्री फेस थ्री फोर। अब देखिए अगर पोल की बात करें तो जितने नंबर ऑफ पोल कम होंगे ना उतनी स्पीड क्या होगी हमारी मशीन की, ज्यादा होगी। एक्यूरेट रिप्रेजेंटेड ऑफ सिक्स पोल थ्री फेस एसी इंडक्शन मोटर। ये सिक्स पोल थ्री फेस का, यानी इसमें तीन फेस का यूज किया गया, रेड येलो ब्लू, तीन फेस होते हैं हमारे पास। ये थ्री फेस मोटर है, रेड येलो ब्लू, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और इन्होंने आगे डीपली बता रखा तो इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। साइनक्रोनस मशीन थ्री फेस रोटेटिंग फील्ड रिक्वायर्ड थ्री पेयर ऑफ वाइंडिंग। अब देखिए जो हमारा थ्री फेस मोटर होता है ये क्या, किसी क्या रिक्वायरमेंट होती है, तीन फेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बीच का जो एंगल हो, एंगल का डिफरेंस हो कितना हो, 320 हो, देखिए डिग्री फेस डिफरेंस हो, ठीक है। और आगे सिंक्रोनस मोटर आर स्पेसिफाइड डिजाइन अ मेंटेनेंस कॉन्टेंट स्पीड। अब इसको जो मोटर को डिजाइन किया जाता है वो इसलिए डिजाइन किया जाता है कि जो हमारी स्पीड हो वो एक तो कांस्टेंट हो और जैसे हमारे रिक्वायरमेंट को उसके हिसाब से हम उसे बदल सके। विद द रोटर सिंक्रोनस टू द रोटेटिंग फील्ड सिंक्रोनस मोटर रिक्वायर्ड मॉडिफाई सच एस स्क्वायर केज वाइंडिंग टू विद द सेल्फ स्टार्टिंग। और जो सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास दो तरीके की वाइंडिंग होती है, पहला वेब वाइंडिंग होता है, दूसरा लैप वाइंडिंग होता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम उसमें वाइंडिंग करते हैं। तो दोनों तरीके की वाइंडिंग मोटर में की जाती है। जो सिंक्रोनस मशीन है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मशीन ही कह सकते हो आप इसे, क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है कॉन्स्टेंट होती है। आप अपने सीलिंग फैन को देख सकते हो, आपका स्पीड क्या होता है, वेरी कर सकता है विद द लोड। अगर आपने लोड को बढ़ा दिया तो वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है स्पीड। लेकिन जो सिंथेटिक साइनक्रोनस मशीन है, ये मोटर है, वो क्या करेगा, अपने स्पीड को कॉन्स्टेंट रखेगा एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो, जैसे हमारा लोड हो, ठीक है। अगर आप थ्री फेज से यूज कर रहे हो तो इनका फेज का जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए और तीन फेज अवेलेबल होने चाहिए। तो थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं आप। ये डीसी मशीन
मतलब आप अगर देखोगे तो कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ये मशीन का सिंबल दे रखा है मैग्नेट, यानी यहाँ जो मैग्नेट है ना वो नॉर्मली मैग्नेट नहीं है, फील्ड कॉइल यूज किया जाता है। देखिए ये आपकी यहाँ पे कॉइल लिपटी हुई होती है, ये एक से दूसरे 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 ऐसे कई सारी कॉइल होती हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा रोटर, क्या रोटर भी कह सकते हो आप, आर्मेचर भी कह सकते हो आप, रोटर आर्मेचर दोनों एक ही चीज है। अगर वो डीसी मशीन में तो आर्मेचर है, अगर वो एसी में तो वो रोटेटर है। देखिए आप यहाँ से दो वाइंडिंग, एक ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई और ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, तीन फेस और एक आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।